Perman to the rescue! कुछ ही पलों में ये आग पूरी इमारत को घेर लेगी। लगता है अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन्हें बचाने के लिए सीढ़ी लगाई जा रही है। 10 मीटर की दूरी बची है, क्या ये पहुंच पाएगी? 5 मीटर, 4, 3, ओहो बहुत बुरा हुआ, सीढ़ी नहीं पहुंच पाई। अरे यहाँ कोई बहादुर इंसान नहीं है जो इन्हें बचा सके। अरे अरे ये कौन है? अरे ये तो परमैन है। हाँ ये तो हमारा परमैन ही है, हमारा हीरो। वो आ पहुंचा। अरे ये छोटा सा बच्चा कितना बहादुर है। कमाल कर दिया परमैन, उसने इनकार दिखाया। बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। परमैन ने एक और हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया। हमें बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो और इतनी सारी शक्तियाँ तुम्हें कहाँ से मिली है? आज तुम्हें बताना ही होगा। ये तो एक राज की बात है, चलता हूँ, बाय। जरा रुको, हमें बता के जाओ। कितना प्यारा बच्चा है। अरे मित्सुओ से ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मित्सुओ, अब कॉमिक्स पढ़ना बंद करो और जाकर अपना होमवर्क करो। अच्छा ठीक है। अरे ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ओए अब उठ भी जाओ। ये तो परमैन है। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, मैं वहाँ लोगों की जिंदगी बचा रहा हूँ और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। ओए तुम मेरे हमशक्ल रोबोट हो, जब मुझे यहाँ से जाना होता है तो मेरी जगह तुम्हें लेनी होती है। जानते हो ये बहुत खास काम है, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मत सिखाओ। जब तुम इस बटन को दबाते हो तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही नहीं बल्कि अकल भी मेरे अंदर आ जाती है, इसलिए मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम हमेशा करते रहते हो। क्यों, आई बात समझ में? चलो छोड़ो इस बात को, जरा अपना माथा इधर लाओ। इस तरह से मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे पीछे से तुमने क्या देखा और क्या सुना। ऐसा लगता है कोई खास बात नहीं हुई। चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि कुछ खास नहीं हुआ। चलो अब वापस जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? परमैन कहाँ है? मैंने उसे देखा था, वो खिड़की से अंदर घुसा था। अच्छा परमैन, परमैन तो चला गया, वो बहुत बिजी रहता है ना इसलिए। क्या वो सचमुच तुम्हारा दोस्त है? हाँ। क्या कह रहे हो, मुझे उससे मिलना है। ठीक है ठीक है। काफी अच्छा मजाक है मित्सुओ की दोस्ती, वो भी परमैन के साथ। लेकिन ये सच है, हम इसका पता जरूर लगाएंगे। देखो गांको, अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो जरूर ये बात सच होगी। हाँ ये सच है। अच्छा तब तो मुझे भी परमैन से मिलना है। क्या सचमुच मिचिको ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो चाहती है तुम परमैन को भी साथ लेकर आओ। उसकी मदद करने के लिए वो परमैन को थैंक्स कहना चाहती है। वाकई क्या बात है। हमें खुशी है कि तुम वो कर पाए परमैन, अगर उस वक्त तुमने मित्सुको को नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया परमैन, कमाल किया। अरे नहीं इसमें शुक्रिया की क्या बात, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। तुम्हें नहीं मित्सुओ, परमैन को कहा। वाह ये तो मजेदार खाना है, ऐसा मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। हम जरा अभी आते हैं। हाँ अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे यहाँ क्यों घसीट लाए, मैं तो बस वो खाने ही वाला था। तुम तो जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़े, इतनी बुरी तरह कोई खाना खाता है क्या? तुम परमन का नाम खराब कर रहे हो। चलो अब मैं परमन बनता हूँ। जी वो मैं परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब हम आराम से खाना खा सकते हैं। वाह क्या बढ़िया खाना है।
हाँ परमन बोल रहा हूँ, क्या बात है? ओहो वो सचमुच खतरे में है, माफ कीजिए लेकिन मुझे जाना ही होगा। हाँ? अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, उम्मीद है मेरे वापस आने तक ये खाना बचा रहेगा। जल्दी से जाओ और न्याय की लड़ाई लड़ कर आओ। ठीक है अब मैं चलता हूँ, काम खत्म करके लौटूंगा। बाय बाय। कितना मजेदार खाना है, इतना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। वहाँ पहाड़ पर दो लोग हैं, अपना रास्ता भूल गए और अब ठंड और भूख के मारे तड़प रहे हैं। तब तो हमें तेजी से काम शुरू करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना डिनर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। वो तो यहाँ से चले गए, जरूर उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश की होगी। अगर जल्दी ही हमने उन्हें नहीं ढूंढा तो बहुत बुरा होगा। यहाँ भी नहीं है। मिल गया। ओप्स, गलत इंसान को पकड़ लिया, मेरा मतलब गलत भालू को। वो कहाँ होंगे? अब जाने भी दो ना। देखो इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, चलो जाओ। यहाँ कितना अंधेरा हो गया है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें रोशनी चाहिए। माचिस, मेरे पास तो माचिस नहीं है। हाँ ये ठीक रहेगा। वो देखो रोशनी हमारे पास आ रही है। हाँ, कोई हमें बचाने आया है। इधर 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 बचाओ। तो अब वो दोनों हॉस्पिटल में है और जल्दी ही वो दोनों ठीक भी हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बूवी, चलता हूँ। बाय बाय। ये क्या, पार्टी खत्म हो गई और पापा को उसे घर छोड़ने जाना पड़ा। उसने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी गलती। उसकी कौन परवाह करता है, तुम उसे कहीं ज्यादा अच्छे हो। हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या है ना कि मेरी बात सुनो, लगता है इसे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। इस तरह से क्या बड़बड़ा रहे हो? वो दरअसल बात यह है कि वो परमन जो परमन परमन अरे मैंने क्या किया। परमन तुमने वादा किया था सच्चाई किसी को नहीं बताओगे, किया था ना? लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी, वो तो समझ रही थी कि मैं। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है समझे, अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। मुझे वो भी जानवर? तुम ये राज किसी को नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम जानते हो कि परमन की शक्तियाँ अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा, बहुत बुरा होगा। हाँ वो तो है। अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी मुझे कभी नहीं हुई। मित्सुओ तुम सुन रहे हो ना? परमन बनना इतना आसान काम नहीं है। हे, कोई अजनबी उस खिड़की पर खड़ा हुआ है, जरूर कोई चोर है। नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ। क्या इन्होंने परमन के बारे में नहीं सुना? इन्हें मुझसे क्या परेशानी है?